हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल बिनर्स क्लब में। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको बताया, फिनिश प्रीमियर लीग T20 मैचेस चल रहे हैं और आज इसका तीसरा मुकाबला होने वाला है बंगाल टाइगर CC वर्सेस एम्पायर CCB के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों टीमों की पूरी जितने भी प्लेयर हैं उन सबका एनालिसिस करेंगे और एक अच्छी सी विनिंग टीम बनाएंगे। उससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि कोई भी यूट्यूबर आपसे पेड टीम की कहता है तो कृपया आप उस पेड टीम को न खरीदें, पैसे देकर टीम न खरीदें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको उनसे अच्छी विनिंग टीम प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक है, पूरी टीम का एक अच्छा सा ओवरव्यू दूंगा। इसके लिए प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको सपोर्ट करूँगा एक अच्छी सी विनिंग टीम प्रोवाइड करके। तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को। ठीक है, और सपोर्ट कीजिए, मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा और इससे और भी अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लेके आऊँगा पर डे। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बात करते हैं दोनों। सबसे पहले बात करेंगे हम ECC की। ठीक है, ECC के जो भी प्लेयर हैं उनकी परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो उदय भास्कर नंदिनी जो हैं ये ECC के ओपनर बल्लेबाज हैं, ओपनिंग करेंगे। इनका ज़्यादा डाटा हमें मिला नहीं था तो हमने लिखा नहीं है। ठीक है, दूसरे बैट्समैन जो है ये है जोनाथन स्कैमस। इन्होंने 19 मैच खेले हैं और 204 रन बनाए हैं। ठीक है, पिछले सीज़न में बात करें विनीत पांडा अगले हैं। विनीत पांडा, इन्होंने 17 मैच खेले हैं और 145 रन बनाए हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं। अगले बैट्समैन हैं हमारे जीरक एजाज़ जो हैं। इनके बारे में ज़्यादा डाटा मिला नहीं था तो हमने लिखा नहीं है और इनके खेलने के चांसेस भी कम हैं। बात करें अगले प्लेयर हैं हमारे मोहम्मद इमरान जो हैं। इन्होंने 25 मैचेस खेले हैं, 107 रन बनाए हैं और 32 विकेट लिए हैं। ये भी ओपनिंग करेंगे। ठीक है, उदय भास्कर नंदिनी और मोहम्मद इमरान ये दोनों ओपनिंग बैट्समैन हैं ECC के लिए। ठीक है, और बात करें मोहम्मद इमरान की तो ये हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों तरीके से हमें बहुत पॉइंट दिलाएंगे, तो मस्ट हैं, ये टीम में होने ही चाहिए। अगले प्लेयर होंगे हमारे हेमनाथन कुनार जो हैं। उन्होंने 24 मैचों में 190 रन और 13 विकेट लिए हैं, तो ये भी अच्छे बैट्समैन हैं। बात करें अगले प्लेयर की तो अगले प्लेयर होंगे हमारे वनराज पंधाल जो है। इन्होंने 21 मैचेस में 506 रन बनाए हैं और 1 विकेट लिए। हमें 3 बैट्समैन सेलेक्ट करने होते जैसा कि आपको पता है, तो उनमें से वनराज जो हैं ये मस्ट पिक हैं, क्योंकि उन 21 मैचों में 506 रन बहुत अच्छा एवरेज है इनका। ठीक है, अगले प्लेयर होंगे रिचर्ड सैवेज ने 14 मैचों में 104 रन और 15 विकेट लिए हैं। ये भी हमारे लिए मस्ट पिक हैं, क्योंकि दोनों जगह से पॉइंट दिलाएंगे। अगले प्लेयर की बात करें तो चंद्रशेखर हैं, 13 मैचों में 181 रन बनाए हैं। बात करते हैं अगले प्लेयर की तो राघवेंद्र सत्यनारायण, इन्होंने 26 मैचों में 255 रन बनाए हैं। बैट्समैन हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी है इन्होंने। अगले बैट्समैन है हमारे अमजद शेर ने 27 मैचों में 320 रन और 42 विकेट। ठीक है, ये भी मोहम्मद इमरान की तरह बहुत मस्ट प्लेयर होने वाले हैं, कैप्टन और वाइस कैप्टन की दृष्टि से। ठीक है, अगले प्लेयर होंगे हमारे राज मोहम्मद ने 37 मैचों में 254 रन बनाए हैं अभी तक और 64 विकेट लिए हैं, तो ये भी हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्लेयर होंगे हमारे अब्दुल गफ्फार ने 24 मैचों में 158 रन बनाए हैं और 30 विकेट लिए हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी मस्ट होंगे हमारे लिए। अगले प्लेयर की बात करें तो विशाल वर्मा, 2 मैचों में कोई रन नहीं, कोई विकेट नहीं। जो हेडले 7 मैचों में 9 रन। ठीक है, कुशहारा भटनागर 12 मैचों में कोई रन नहीं, 9 विकेट। ठीक है, बॉलर हैं, अच्छी है, ट्राई कर सकते हो आप। अब बात करते थे BTC के टॉप बैट्समैन हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है विलायत खां। यदि आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों कि हाँ मैंने आपको सही कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और यदि आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप होगा, तो अगले मैच में और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, तो बात करते हैं BTC के प्लेयरों की। सबसे पहले आता है विलायत खां ने 8 मैचेस में 213 रन बनाए हैं 30 की एवरेज से। ठीक है, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है इनका, 102, एक बार पर 150 भी लगाई है। बात करते हैं अगले प्लेयर की तो ये होने वाले हमारे टॉमनॉय कुमार साह, 8 मैचों में 173 रन, 28 के एवरेज से 150। अगले होंगे MD नुरुल हुड्डा, 7 मैचों में 133 रन, 137 की स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है इनका। ठीक है, एवरेज भी बहुत अच्छा है और ये ऑलराउंडर प्लेयर हैं, तो मस्ट पिक होने वाले हैं हमारे लिए। अगले बैट्समैन की बात करें तो सरबर जहान, 8 मैचों में 112 रन, 22 की औसत है इनकी, स्ट्राइक रेट 110 का काफ़ी अच्छा है। अगले प्लेयर होंगे हामिद मोहम्मद अल अरम, 9 मैचों में 7 बार बैटिंग का मौका मिला है, 80 रन बनाए हैं अब तक। ठीक है, 13 की एवरेज है, ज़्यादा कच्चा नहीं, लेकिन स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा है इनका, 148 का। लास्ट ओवरों में काफ़ी अच्छी पॉइंट दिला सकते हैं हमको।
बात करें अगले प्लेयर की तो शहीद आलम होंगे। ठीक है, अब बात करूँ मैं विकेट टेकरों की। ठीक है, बीसीसी के टॉप विकेट टेकर की बात करूँ तो नरुल हुड्डा 7 मैचों में 13 विकेट ले चुके हैं। ठीक है, मस्ट ऑलराउंडर प्लेयर हैं, तो बैटिंग सेक्शन में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है इन्होंने, तो कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए मस्ट पिक होंगे हमारे लिए। अगले हैं टॉमी शाह 8 मैचों में 11 विकेट, एमडी विलायत 8 मैचों में 9 विकेट, हबीब अल अरम 9 मैचों में 5 विकेट और मोहम्मद जावेद सुहाग 2 विकेट ले चुके हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको दोनों टीमों का ओवरव्यू बताया दोस्तों। ठीक है, ये अब आप इस ओवरव्यू की मदद से खुद भी एक ड्रीम टीम बना सकते हो बिना किसी की मदद से। ठीक है, और ऐसा ही कंटेंट आप पढ़ने चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को और चलते हैं अब ड्रीम टीम की ओर। तो मेरी जो ड्रीम टीम है वो बनाई है मैंने, देखिए अभी दिखा रहा हूँ आपको, बीटीसी ये बनाई है मैंने ड्रीम टीम। और एक बात बताऊँ दोस्तों, ये है मेरी टीम प्रीव्यू, देख लो मेरा कैप्टन और वाइस कैप्टन, कैप्टन बनाया नरुल हुड्डा को, वाइस कैप्टन बिलाल खां को। ठीक है, एक बात कहना चाहता हूँ कि ये मेरी फाइनल टीम नहीं है, जैसे ही लाइंस आउट होगी मैं अपनी फाइनल टीम अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूँगा। ठीक है, और टेलीग्राम की लिंक, टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए टेलीग्राम पर आप सर्च कीजिएगा विनर्स क्लब ड्रीम इलेवन, या कमेंट बॉक्स के नीचे भी लिंक डाल दूँगा। ठीक है, यदि आपको लगता है कि हाँ मैंने इस कंटेंट बनाने में मेहनत करी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो। धन्यवाद।